High drama at Lucknow Airport as Congress MP Rahul Gandhi sits on dharna. Gandhi Scion has refused to take escort vehicles provided to him and staged a 20-minute long dharna at the airport for not being allowed to go in his own car. Rahul is on his way to Lakhimpur to meet the family members of farmers killed in Sunday's violence, along with Punjab Chief Minister Channi and Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. UP Cabinet Minister Siddharthnath Singh lashed out at Rahul Gandhi in a tweet, saying that what Rahul has done shows that the issue is not about farmers of Lakhimpur, but about being visible. This as the UP government had initially declined permission for the visit, but later allowed Rahul and Priyanka to visit Lakhimpur along with three others. Meanwhile, SP Chief Akhilesh Yadav has reached Nanakpuri Gurdwara in Shahjahanpur, which lies on the border of Lakhimpur Kheri district. इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह. ये देखिए मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे. पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे. ये देखिए जी कैसी परमिशन है ये जी. तो आपको लग रहा है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है? आप मुझे बताओ ये कौन सी परमिशन है, मैं निकल सकता हूँ प्लीज जी? ये देखिए परमिशन सर, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए जी. सर अंदर बात हुई थी कि आपको जाने देंगे और अब एयरपोर्ट पे ही आपको रुकना है. आप कैमरा लगाओ ना यहाँ, ये देखो क्या हो रहा है. ये देखो आपको लगता है मिसलीड करने की कोशिश की गई आप लोगों को, कहीं और ले जाने की कोशिश है जो गाड़ी जिस तरह से लगाई गई? मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रहे. तो आप यही धरने पे रहेंगे सर जब तक? मैं क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रहा हूँ. तो सर आप धरने पे रहेंगे जब तक? आप धरने पे क्या, यहाँ बैठा हूँ, निकलने नहीं दे रहे मुझे. सर ये पहली बार नहीं हो रहा है, हाथरस में भी हमने देखा था आपकी गाड़ी रोकी गई थी एक्सप्रेस वे पे, उसके बाद आप पैदल गए थे प्रियंका जी के साथ, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन. ये दिखाओ ना, ये सीन दिखाओ ना थोड़ा अच्छी तरह. ये देखिए ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर ये परमिशन देखिए. आपको लगता है क्लियर डायरेक्शंस हैं कि आपको रोका जाए एयरपोर्ट पे ही और किसी और रास्ते से लेके जाया जाए कहीं और? नहीं, वो तो सामने रोका हुआ है भाई, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ देखो जी. तो ये है परमिशन यूपी सरकार की. मैं अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जानता हूँ, मुझे कहा गया था कि हम यहाँ से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है. अब यहाँ पे ये पुलिस वाले आर्मी वाले पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर दिया. ये बदतमीजी है, कानून की खत्म होने की प्रकाशा है और ये दिखाता है कि ये जालिम सरकार है. ये केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों से अपील भी की गई थी और किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई. कुछ लोग चोरी छिपे गए थे वहाँ, स्थानीय स्तर पर भी उनके विरुद्ध उनको डिटेन किया गया था तथा वापस किया गया था. सारी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे और अब जबकि चीज़ें अनुकूल हो रही हैं तो लोगों को धारा 144 के मद्देनज़र 5-5 की टोली में जाने की अनुमति स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जा रही है. Abhishek Mishra joining us from Lucknow Airport. Abhishek, take us through the scene there. Rahul Gandhi, we just heard him speaking, talking about how he wants to use his personal vehicle, how he's being stopped. Take us through the sequence of events and what's currently happening on ground. Well, absolutely, Chaiti, you can just see in the visuals, we are on the way following Rahul Gandhi, who is on the way to Sitapur right now. And it has been a lot of tussle between the government, between the administration and Rahul Gandhi and all those workers who are very adamant on the fact that why they are not allowing other leaders to go. But by from the start, when it came in the picture that the UP government can only give the permission to five people to go, who are willing to go to Lakhimpur, there has been a lot of discussion, lot of rift between the administration and Rahul Gandhi when he left from Delhi. Then only he said that there. Then there has been a lot of things that there has to be a equal thing, and they always wanted that Rahul Gandhi should be given the permission to allow along with other leaders, but that was not given.
Rahul was also adamant on the fact that he should go with his own vehicle, but the government kept on saying that because of the protocol, because of the security reasons, we will not allow that. We cannot allow that. The only thing which is allowed is only five people can go to Lakhimpur Khiri. But right now, he's moving towards Sitapur Khiri. It's been around almost 22 kilometers approximately from the main city, from Lucknow, on the way to Sitapur. And we're expecting within 40 minutes, he will be there in Sitapur and will directly head towards the guest house, that place where Priyanka Gandhi Vadra is right now. And from there, along with Priyanka Gandhi, Rahul would move towards Lakhimpur Khiri to meet the victim's family and to the family of the farmers who lost their lives. Yes. All right. Thank you for taking us through all the latest. We'll stay on top of that story. Lakhimpur blood politics raging on. Before leaving for Lakhimpur, Rahul went all guns blazing against the BJP, alleging that farmers were being attacked by the government and that democracy has been replaced by dictatorship. BJP Samit Patra hit back at the opposition, accusing Rahul Gandhi of trying to spread violence. He said that Congress was trying to derive political mileage from the Lakhimpur incident. पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है. पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है. लखीमपुर खेरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू ड्राइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन, इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू. कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खेरी नहीं जा पाए. पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है, और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है. राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए. आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी या मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? Did he conduct the postmortem? तो postmortem पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो who is Mr. Rahul Gandhi to question the expert body's opinion? कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खेरी नहीं जा पाए. चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता. सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है. पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो तीन नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है. वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है. ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर? ये रॉबर्ट वाड्रा जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर. डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है. सीधी सी बात है, राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते. जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता
राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उनपे टमाटर फेंकते हैं, ये डेमोक्रेसी है? भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान है, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। जो पूरा का पूरा परिवार, मां बेटे दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके, आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? एक भी फोन कॉल? सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो, उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो, हमें कहते हो। एक रिपोर्टर की भी मृत्यु हुई, कैसी परिस्थितियों में आप लोग जाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं, और वही राहुल गांधी रिपोर्टरों से आज कह रहे थे आप लोग अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, आप लोग काम नहीं करते, ईवीएम काम नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा, रिपोर्टर काम नहीं कर रहे हैं, देश की सरकार काम नहीं, काम केवल राहुल गांधी कर रहे हैं।